उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पादरी बाजार स्थित अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि इस देश की जनता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बधाई और धन्यवाद देता हूं कि मुझे आजमगढ़ का प्रभारी बनाया गया। जिस समुदाय के लिए संघर्ष कर रहा था उस समुदाय का मंत्रालय मंत्री बना और सेवा का अवसर मिला। 33 करोड़ की आबादी में 18 मंत्रियों को प्रभार दिया है। जो काम मुख्यमंत्री ने दिया है उस पर हम खरा उतरेंगे और जो योजनाएं दिल्ली और लखनऊ की है उसे धरातल पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री की जो सोच है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, अरे वो पट्टा वाला मामला था साफ रुक जाएगा तो लिखा पड़ेगा ना। हाँ लिखा पड़ेगा लिखा बिंद का फोन भी कर देना और मेरा समुदाय और इस देश की जनता को माननीय मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। एक तो जिस समुदाय का मैं संघर्ष कर रहा था उस समुदाय का मंत्रालय में दिया और सेवा का अवसर और 33 करोड़ की आबादी में हम 18 मंत्रियों को प्रभार दिया गया। निश्चित रूप से जो भार दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर हम खरा उतरेंगे और जो योजनाएं दिल्ली और लखनऊ की हैं उसे धरातल पर लाएंगे। हम लोग उसमें जो रुकावट होगा उसे हटाएंगे, जो उसमें कमी होगी उन्हें हम लोग निर्देश देंगे, उन्हें हम लोग आदेश करेंगे कि जो उदासीन हैं निष्क्रिय लोग हैं उन्हें सक्रिय करेंगे और इस तरीके से विभाग को परिवार बनाकर उसे काम लेंगे कि जो उत्तर प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है और माननीय मोदी जी की जो सोच है उस सोच को एक जन जन तक पहुंचाएंगे। और आज पहला दौरा है और मेरे दो सहयोगी मंत्री भी हैं, राठौर साहब भी हैं, तोमर साहब भी हैं, तो ये दो मंत्री हमारे सहयोगी हैं और वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। पहले जनप्रतिनिधियों से मिलना है, पूर्व जनप्रतिनिधियों से मिलना है, उनसे सुझाव लेने हैं, उनकी शिकायत लेनी है, जनता से मिलना है, फिर तमाम लोगों से जो सामाजिक सभी संगठन हैं उनसे सहयोग लेना है, फिर अधिकारियों का प्रेजेंटेशन लेना है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के सभी विभाग हैं उस विभाग का जो 5 साल की जो उपलब्धि है उस उपलब्धि में कितना आपने किया है और क्या अधूरा रह गया है और अभी जो कार्य योजना है 6 महीने, 2 साल और 5 साल का उसमें कितना परसेंटेज आपने शुरुआत किया है। और जनता का जो सरकार है इस बार की जो सरकार है वो जनता की सरकार है। जनता वोट मांग रही थी कि कमल के लिए कि खाना हमें देते हैं, घर हमें देते हैं, सुरक्षा हमें देते हैं, मेरे बेटे की इलाज मेरे कराते, इसलिए जनता वोट मांग रही थी। और अगर विरोधी का कोई एजेंट बात भी करता था गाँव में जाके तो उसका जवाब भी जनता दे देती थी कि तुम्हारे हाथ में सरकार थी 70 साल से, तुम लोगों ने क्या किया, तुम कहाँ खाना देते थे, खाना पूर्ति करते थे, खाना तो मोदी दे रहे हैं पूरा का पूरा, हैं तुम कहाँ थे, हैं दवाई तो मोदी जी करा रहे हैं ना, हैं घर तो वो दे रहे हैं बिना भेदभाव का। तुम्हारी सरकार थी तो भेदभाव की तस्वीर आती थी, आता था हम लोग देखते रह जाते थे, गरीब अमीर का घर बन जाता था कम से कम, अब पात्र व्यक्तियों को बन रहा। तो इसलिए जनता ने अगर सुना है और जनता ने हमारा काम किया तो हम लोग जनता के दरवाजे पर रहेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी एक एक व्यक्ति के दरवाजे पर रहेगी, चाहे वोट दिया हो और चाहे न दिया हो वो हम उसको समझाएंगे और उसे इस विकास की धारा में लाने के लिए उनके बच्चों के लिए जो भी योजनाएं बनी है उसे धरातल पर लाएंगे और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। और जहाँ तक रहा हमारा विभाग तो हमारे विभाग में एक ऐसा विभाग है कि इसमें रोजगार मिलेंगे, इसमें प्रोटीन खाद्यान्न मिलेंगे और तीसरा हम उत्तर प्रदेश को राजस्व भी देंगे। तो इतना है इसे उत्तम बनाना और इससे उत्तर प्रदेश को एक नंबर पर बनाना, उसके लिए हमने एक्सपर्ट कमेटी बना रखी है। हमने उसे निश्चित रूप से जहां डॉक्टर संजय कदम पड़ता और जिस नाम
निषाद बैठता है, उस नाव को पार करता है और जो विरोधी होते हैं उन्हें डुबो के ख़त्म कर देता है। आपने देखा होगा 2017 से लगातार उल्टी गिनती शुरू है प्रदेश में, अब आजमगढ़ मंडल में भी शुरू हो जाएगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो सोच है, एनडीए की जो ताकत है उसे देखेगी, हम निश्चित रूप से चुनाव भी जीतेगा। ये जो विरोधी ताकतें उनकी हताशा है, जो हारे लोग हैं और एक ट्रेडिशनल वोट बैंक के सहारे जो राजनीति कर रहे थे उनको खाली धार्मिक उन्माद फैला रहे थे, तो आज के दिन में अब उनकी दुकान बंद हो रही है, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ मोदी जी ने कह दिया नहीं, हर एक स्कूल में संविधान पढ़ाया जाएगा, राष्ट्रवाद पढ़ाया जाएगा, बच्चों को एकेडमिक ज्ञान दिया जाएगा, विज्ञान पढ़ाया जाएगा। तो आजकल वो धार्मिक उन्मादी जो लोग हैं उन्हें समस्या है कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, तो वो लोग कुछ शरारती तत्वों को, उत्तर प्रदेश में अब माफिया गुंडे शरारती तत्व ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है, दो चार हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ और मैं पुलिस विभाग को सचेत करना चाहता हूँ कि घटना होने से पहले जो भी छोटे मोटे मुद्दे आते हैं संयुक्त रूप से देखें। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, तो आते उन्होंने एक्शन लिया और सारे ढेर सारे अपराधी पकड़े गए हैं, जो आगे हैं फुटेज के हिसाब से किया जा रहा है, और उन्होंने शासन से उस पीड़ित परिवार को प्रशासनिक मदद देने के लिए उन्होंने डीएम को निर्देश जारी कर दिया है, और हमारे माननीय विधायक जी भी उसमें लगे हुए हैं और उन्होंने डीएम से कह दिया जल्दी फाइल पहुँचाओ और उसको प्रसारित, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे वो सारे के सारे जेल भी जाएंगे और उन्हें कड़ी सजा दिलाएंगे। ये हमारे समाज का मुद्दा है, मेरे समाज पर कहीं भी कोई भी मुद्दा होता तो माना जाता है कि डॉक्टर संजय पर हमला हुआ, डॉक्टर संजय का परिवार है जिसे दर्द हुआ है, वो आते ही हमें, जैसे मैं छत्तीसगढ़ था और 9 बजे रात कैसे सूचना मिली, मैंने तुरंत बात की SSP से और उन्होंने वादा किया मैं 1 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट देता हूँ, और 1 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ा गया, तो हम अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जहाँ कभी हमारे लोगों को कई दिन इस पिछली सरकारें रहती थी तो कई दिन FIR लगाने में लग जाता था, और हाँ 1 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ के चले जाए तो ये बहुत बड़ी बात है और उनको सज़ा भी मिलेगी, और निश्चित रूप से आगे उसकी निंदा करता हूँ, ऐसा घटना न हो उसके लिए हम लोग कार्ययोजना बना रहे हैं।